क्वेश्चन किए आप लोगों ने, तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे मैंने घर से, होमवर्क में। क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं? नो सर। यस स्क्रीन दिख रही होगी यार। यस सर, दिख रही है आप। तो ये स्क्रीन क्वेश्चन किए आपने ये दोनों? यस सर। फर्स्ट का क्या आंसर है? फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का, इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अगर किए हैं तो बताओ ना। किए कि नहीं पहले ये बताओ आप। नो रेस्पॉन्स। आशुतोष का आंसर है ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। आप बोल भी सकते हो, आप मैसेज में बोल रहे हो ना, स्क्रीन मेरे साथ, मुझे आपकी, मुझे पूरा ये स्क्रीन पे ये दिखता है जो आपके साथ स्क्रीन शेयर है, मुझे मैसेज नहीं दिखते हैं। आशुतोष का आया 5 मीटर पर सेकेंड, बाकी लोगों का, शगुन का भी 5 मीटर पर सेकेंड है। नहीं किए तो करवाऊं फिर मैं, बता तो दो मुझे, मैं इस चीज से कि मैं करवाऊं अगर नहीं किए तो आप लोगों ने। वो रेस्पॉन्स लास्ट तो यार आप रेस्पॉन्स तो करो, क्या हो गया आप लोगों को, हो क्या फिर यार, करवा दो। बड़ा 2 दिन आपको मिले पूरे, फिर भी आपने क्वेश्चन, पूरा संडे तो मिला था ना, फिर भी आपने क्वेश्चन नहीं किए यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? बिना क्वेश्चन किए आईआईटी मिल जाएगा क्या? जेई क्लियर हो जाएगा विदाउट उसके क्वेश्चंस के? बताओ। नो सर। नहीं होगा ना, नो सर। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऐसे ही सपना देखते रहोगे बिस्तर पर पड़े पड़े, तो क्या जेई जेई निकल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा आपको? नो सर। क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना उसके लिए, यस सर। तो क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं रहे हो। अभी 2 दिन मिले आपको, ये 2 क्वेश्चन ये थे, 2 क्वेश्चन और थे आपको असाइनमेंट में, चारों क्वेश्चन आपने नहीं किए, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। देखो, जब ये ब्लॉक इन द गिवन सिस्टम शोन, ब्लॉक ए पुल्ड टुवर्ड्स राइट स्पीड VA, यानी कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है इसको, और ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है एक पुली से, यानी फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये थीटा एंगल बना रही है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, एक्चुअल में ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक? ब्लॉक एक्चुअल में किधर जा रहा है? अरे गलत ही ना गलत बताओगे ही ना बताओ सर, नीचे जाएगा। नंबर 1 वाली साइड डायरेक्शन ये है कि ऐसे ब्लॉक जाएगा, नंबर 2 वाली डायरेक्शन ये है कि ब्लॉक ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, नंबर 1 वाली में, 2 वाली में? सर 2 वाली में। नंबर 2। नंबर 2 बेटा ब्लॉक ऐसे ब्लॉक नहीं जा रहा ऐसे है, नहीं ब्लॉक जा रहा। एक्चुअली में एक्चुअल मोशन ब्लॉक की ऐसे हो रही है। आप देखोगे ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा, आप एक बताओ, ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा, आप ये सोच रहे हो ना इसको उठा के ऐसे ऐसे खींचेगा, लेकिन उठाने से पहले ब्लॉक की ये स्ट्रिंग कब उठाएगी, जब ब्लॉक यहां पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं?
ब्लॉक जब इस जगह यस सर। तब जाके ग्राउंड से इसका कांटेक्ट छूटेगा। इससे पहले ये ब्लॉक पहले यहाँ पे आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब एक्चुअल में जो ब्लॉक मूव करेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। हमें क्या होना, क्या करना होता है कि ये जो वेलोसिटी होती है, मान लो इस टाइम पे, मान लो ये जो ब्लॉक था वी बी जो था, ब्लॉक बी की वेलोसिटी मान लो डाउनवर्ड वी बी थी, ठीक है? तो क्या अगर ये स्ट्रिंग आपकी एक ही स्ट्रिंग है, ये हमने एक ही स्ट्रिंग मानी, पूरी ये वाली स्ट्रिंग एक ही है, अगर स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी वी बी नीचे की तरफ है, तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी वी बी नीचे की तरफ ही होगी? यस सर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वी बी ही होगी इस डायरेक्शन में, और yes, इस पॉइंट की भी वी बी होगी, इस पॉइंट की भी वी बी होगी, क्या इस पॉइंट की जो रस्सी का लास्ट पॉइंट इसे कनेक्टेड है, क्या उसकी वेलोसिटी भी वी बी ही होगी उस डायरेक्शन में? यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग हमने क्या मानी है, स्ट्रिंग टूटेगी नहीं, ये देखो टूटी सी थोड़ी सी दिखा दी है, लेकिन ये टूटेगी नहीं स्ट्रिंग, सिंपल ऐसे लिपटी हुई है इसके, इससे इसका मतलब स्ट्रिंग अगर टूटेगी नहीं तो देखो क्या इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी पूरी स्ट्रिंग की यही वेलोसिटी होगी यहां तक? यस सर। तो देखो जो एक्चुअल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या है, इस डायरेक्शन में, और इससे एंगल क्या बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, थीटा, थीटा ही है ना? यस सर। तो इसको मैं यहाँ पे अगर मान भी लू, यहाँ पे भी मान लू अगर इसको, तो वी बी वी ए मेरा ये है, तो क्या इस एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे? देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा इस इधर? सर कॉस थीटा। देखो वी बी पॉइंट की वेलोसिटी बी वी बी है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में इस रस्सी के लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वी बी इस रस्सी की डायरेक्शन में, और ब्लॉक की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं इस जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी रस्सी के इस लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में? यस सर। वेलोसिटी का कंपोनेंट वी ए वेलोसिटी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ वी बी की जो वेलोसिटी होगी वो वी ए कॉस थीटा होगी? यस सर। होगी कि नहीं होगी? Yes, देखो ये VA वेलोसिटी ऐसे जा रही है, एक्चुअल में ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन एक रस्सी और खींच रही थी उसको, जिससे ब्लॉक लटका हुआ था, उसकी वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड थी तो इस रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी VA होगी, VB होगी, सॉरी VB, VB से अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी VB होगी, और जो रस्सी उसके ब्लॉक से बंधी हुई है, क्या उस पॉइंट, उस रस्सी के लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी उसके अलोंग और जो ब्लॉक है उसका वही उसी के डायरेक्शन में कंपोनेंट दोनों इक्वल होने चाहिए? यस सर। तभी तो वो कनेक्टेड रह सकते हैं, अदरवाइज अगर दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होती तो वो कनेक्ट नहीं रह पाते। तो सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वो थी वी ए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या थी वी बी, तो वी बी किसके इक्वल हो जाएगी, वी ए कॉस थीटा के। क्लियर है? यस सर। वही एक्सप्लेनेशन आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है वही आपको रिटेन फॉर्मेट में है, मैंने इसीलिए इसमें बताया कि वहां पे आप बाद में भी अच्छे से देख सको। अच्छा उसी सेम कंसेप्ट आप इसको अभी ट्राई करो, इस क्वेश्चन को टू क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, जस्ट अभी अभी ट्राई करो इसको। इन द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है if b pulled towards right with velocity vb, vb velocity से block a pull किया जा रहा है, ये इस direction में move कर रहा है अगर actual में, तो इधर इसका component इसके along क्या होगा, इसके along vb cos, मान लो ये theta है अगर, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। जो इस रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी क्या वो इस पॉइंट की भी होगी, इसकी भी होगी? यस सर। इसकी भी क्या होगी, वी बी कॉस थीटा, इसकी भी, इस रस्सी के पूरी रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, वी बी कॉस थीटा,
तो क्या इस रस्सी जो जहां पे ब्लॉक पे बंधी है उस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, वी बी कॉस थीटा होगी कि नहीं? यस तो बस इतना मैंने बता दिया, ऐसे ही वी ए का कंपोनेंट तोड़ो, वी ए का सेम टू सेम वी ए का कंपोनेंट तोड़ो और उसका रिलेशन निकालो। क्या वी ए का भी उसके अलोंग में कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा होगा? वी ए कॉस थीटा ए बोल दो, वी ए कॉस थीटा ए होगा कि नहीं? yes, अरे देखो, अगर ये एंगल मान लो वी ए कॉस थीटा बी है तो ये वाला एंगल मान लो थीटा ए है, एक्चुअल वेलोसिटी इसकी ये है और रस्सी हमेशा ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में भी निकालूं और रस्सी के रेस्पेक्ट में भी निकालूं तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? देखो रस्सी के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहा हूं, मान लो इस पॉइंट की ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो क्या आ रहा है वी बी कॉस थीटा बी, किसके अकॉर्डिंग? बी के अकॉर्डिंग, ये बी है, और जब ए के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है वी ए कॉस थीटा ए, आ रहा है कि नहीं? है ये अगर वी ए है आपकी इस डायरेक्शन में वी ए है तो एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं हमेशा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी वी मान लो उसका कंपोनेंट वी ए नहीं होगा, वी ए का कंपोनेंट होगा क्या ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मानेंगे आपका वी ए क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, वी ए क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा बी अपॉन कॉस थीटा ए इंटू वी बी, ये लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। हां ये क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन भी दोनों क्वेश्चन हो गए? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये आपको उस रिटन फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस थर्ड क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आपने किए नहीं अभी करो, फिर थर्ड क्वेश्चन को करो जरा। कर रहे हो कि नहीं? करो करो। क्या आ रहा है? बेटा वॉइस नहीं आ रही, आप बोल जो भी बोलना चाह रहे हो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आया किसी का आंसर? आया क्या?
चलो मैं ही करवाता हूँ, मुझे नहीं लग रहा आप बता पाओगे सॉल्यूशन इसका। देखो हमें पूछा क्या है, इन द सिस्टम शोन बिलो, शोन इन द फिगर द आर ब्लॉक, ये जो आर ब्लॉक है मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में आर ब्लॉक किससे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड ब्लॉक पी गोज अप, ये ब्लॉक पी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक क्यू। चलो पहले हम ब्लॉक क्यू की वेलोसिटी मान लेते हैं डाउनवर्ड, ब्लॉक क्यू की वेलोसिटी क्या मान ली हमने, वी वी मान ली, तो क्या इस सभी क्यू की, ये सेम स्ट्रिंग है तो इसकी वेलोसिटी भी यहां पर क्यू होगी, डाउनवर्ड होगी कि नहीं, वी होगी, होगी कि नहीं ये बताओ। देखो अच्छा इसकी भी वेलोसिटी अगर वी होगी तो ये ऊपर जा रहा है, ये देखो ये अगर पी ऊपर जा रहा है तो क्या ये पुली भी ऊपर जा रही है, जा रही है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है। देखो सर एक बार रिपीट कर दो। देखो हमें क्या, देखो अगर ये पुली हमारी फिक्स होती, अगर ये पुली हमारी फिक्स होती, मान लो ये वन पुली है, अगर ये वन पुली फिक्स होती तो हम वीपी की जो ये वाली इस पुली, इस पूरी स्ट्रिंग की वेलोसिटी सेम होती, पुली के अलोंग भी, पुली के बाद भी, क्योंकि ये वाली पुली अगर फिक्स है तो अगर इसकी वेलोसिटी वी है डाउनवर्ड, इसकी वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड वी है तो हाँ इसकी अपवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड मान लिया हमने कि इसकी अपवर्ड होगी, इसकी मान लिया हमने कि अपवर्ड होगी और इसकी डाउनवर्ड होगी, तो और ये पी अगर ऊपर जा रहा है, पी ऊपर जा रहा है, क्या ये पुली भी ऊपर जा रही होगी, वन पुली, पुली वन, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये देखो फिक्स ऐसे होती है, फिक्स मतलब पुली ऐसे होती है, आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, कौन सा, एटवुड मशीन, एटवुड मशीन में क्या था, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू था कि नहीं। यस सर तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो अगर ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और क्या ये ब्लॉक, ये रस्सी भी इधर जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड से, जाएगी कि नहीं, जा रही यस सर होगी। अब मुझे ये बताओ जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रही है और ये पुली भी ऊपर जा रही है, तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये हमने वी माना है, इसको वी हमने माना है, तो वीपी क्या दिया हुआ है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, वीपी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी जगह थ्री यस रखो सर इक्वल टू वी वन, वी वन मान लो ये है, वी आर ले लो, चलो इसको वी आर ले लो और इसको वी क्यू ले लो, इसको वी क्यू मान लो, चलो इसको वी क्यू मान लिया। अब देखो वीपी आपको 3 दिया है, वी आर क्या दिया हुआ है 10, अरे ये अपवर्ड है ना तो इसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस हमने इसको अपवर्ड मान लिया है, इसको अपवर्ड मान लिया तो हम क्या करेंगे, वी क्यू को हमने पॉजिटिव रख दिया, डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस अब देखो टू का सर मल्टीप्लाई किया, टू का मल्टीप्लाई किया, यस इधर 6 हो गया तो इधर क्या आया, सर 6 इक्वल टू 10 प्लस वी क्यू, वन तो प्लस बी क्यू यस सर आपका वी क्यू क्या आ गया, वी क्यू, वी क्यू क्या आया माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड, फोर हाँ यस सर माइनस के 4 आएगा ना। अब देखो माइनस के यस फोर का सर मतलब है हमने जो डायरेक्शन मानी है इसकी अपोजिट गलत मानी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अगर इसकी डायरेक्शन यस सर डाउनवर्ड है तो ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, अपवर्ड जाना चाहिए इसको, फिर यस सर अब बढ़ जाएगा पी ये अगर ये रस्सी अगर डाउनवर्ड जा रही है तो कि ये इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो हमारी यस वी क्यू, सर वी क्यू क्या आ गई, वी क्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, किधर अपवर्ड डायरेक्शन, आई कि नहीं। यस सर देखो हम वी क्यू हमने ये सिमिलरली मैग्नीट्यूड इक्वल माना था, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना यहाँ पे, इसकी इसकी डायरेक्शन तो हमारी अपोजिट होगी कि नहीं होगी, ये माइनस साइन इस वाली वी क्यू की वो बता रहा है डायरेक्शन न कि इसकी डायरेक्शन, तो जब हम अगर इसका माइनस का हम साइन पुट कर देंगे जो दोनों डायरेक्शन लगा लें तो इस माइनस का मीनिंग खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फोर यस सर मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब हम टू सेम यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है,
क्या इसकी वेलोसिटी, इसमें क्या है कि इस बी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हुई, इस डायरेक्शन में दी हुई है, तो मुझे ये बताओ क्या इस वी का, वी बी अगर इस डायरेक्शन में एक्चुअल वेलोसिटी है, क्या इसके अलोंग एक वो आएगा कंपोनेंट इसका? यस सर, कंपोनेंट सर कॉस थीटा। हाँ, वी बी कॉस थीटा, मान लो ये अगर कॉस थीटा है तो वी बी कॉस थीटा आ गया। और देखो मान लो ये 90 है आपका, ये 90 है आपका, तो ये एंगल क्या होगा? ये सर साइन थीटा। बेटा 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस के थीटा, ये एंगल 90 माइनस के थीटा होगा। तो देखो ये वाला एंड किस वेलोसिटी से चल रहा है? ए वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं? यस सर। ये वाला पॉइंट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस वी ए का अलोंग द रॉड, भाई देखो अगर कोई रॉड मूव कर रही है तो उसके दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे मैं पेन है, ये पेन है मेरा, दिख रहा है आपको सामने पेन? यस सर। इस पेन को कैसे भी ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? देखो यस सर, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। देखो अगर अगर मेरा वी वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन में फिर वी ए के अकॉर्डिंग, वी ए के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी? वी ए कॉस 90 माइनस के थीटा होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी कि नहीं? मैं इसको 90 माइनस के थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, वी ए 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री भूल गए यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको चेंज करते हैं या सबको चेंज नहीं करते हैं? नो चेंज होएगा, नो चेंज होगा या चेंज होगा? चेंज होगा, चेंज होगा सर, चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो कॉस 90 माइनस के थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? वी ए साइन थीटा हो जाएगा। ये इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया? वी ए साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में सेम कंपोनेंट है वी बी साइन थीटा। तो एक रॉड की दो वेलोसिटी, क्या ये दोनों सेम होनी चाहिए? अगर ये रॉड रॉड है तो क्या वी ए साइन थीटा इक्वल टू वी बी कॉस थीटा होना चाहिए? यस सर। तो मेरा वी बी क्या आ जाएगा? वी बी क्या आ जाएगा हमारा? वी ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी ए वी बी क्या आएगा? वी बी क्या आएगा? वी ए टेन थीटा, टेन थीटा। इसने उल्टा कर दिया, ये क्या होगा? ये बी होगा और ये आपका ए होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ये चारों क्वेश्चन क्लियर हुए सबको? Yes, आपको ना एक यही पॉइंट पर कंफ्यूजन होती है कि आपको जो कंपोनेंट लेना होता है वो एक्चुअल वेलोसिटी का लेना होता है। यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी ये नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी ये है, ये इस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रही है, वो एक्चुअल वेलोसिटी कंपोनेंट लेना होता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Yes, किसी को नो सर। बाकी लोग नीलम के अलावा? यस सर। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? यस सर। आपने क्वेश्चन किए क्यों नहीं थे आपने ये क्वेश्चन? समझ में नहीं आए थे या क्या क्या दिक्कत थी? आ तो दो कुछ है? अब इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। हम ये क्वेश्चन अभी अभी करो जस्ट। ये क्वेश्चन तो इस टाइप का तो पहले भी करा चुका हूं मैं। इस क्वेश्चन को करो अभी। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को करो अभी। वेट कर रहा हूं, करो।
हो गया। हो गया। कौन सा आंसर है, ऑप्शन कौन सा है, 32 न्यूटन। कौन सा? कर आशुतोष आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आशुतोष। लिया सर, डी आ रहा है। नीलम आपका क्या आ रहा है? डी आ रहा। वो कैसे किया नीलम? नीलम कैसे किया है? अरे बताओ तो सही, आपने किया तो होगा, कैसे किया है? कैसे सर किया? हाँ आप नेट एक्सटर्नल सर डिवाइडेड बाय आप टोटल मास से किए। टोटल मास किया फिर। देखो आपने पहले इस सिस्टम पे तीनों ब्लॉक्स पे, क्या मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ? इसको पूरे को जब एक सिस्टम मान लोगे तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? T3। ओनली T3 कितना है? 40 न्यूटन, है कि नहीं बेटा? किसी का नहीं माइक ऑन है क्या? माइक ऑन है क्या किसी का? सत्यवीर का ऑप्शन सी आया है और किसी का कुछ आया है। आदित्य का भी ऑप्शन सी आया है। अंकुश का, आशुतोष, इन सब का ऑप्शन डी आया है। ओके अब देखते हैं नेट, हमें क्या निकालना है पहले? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? टोटल एक्सेलरेशन मतलब देखो ये रस्सी से तीनों बंधे देखो हुए हैं, बंधे हुए हैं तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मान लो ए था तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यही था फॉर्मूला। नेट फोर्स यस कितना सर, है? नेट फोर्स 40 न्यूटन है। T N यस टोटल मास क्या है? टोटल मास M1, ट्वेंटी ये आपका M2 है। M1, M2, M3 कितना है? और 10 + 6 + 4 कितना है? 20। तो ट्वेंटी 40 / 20 क्या कितना आएगा? 2 मीटर पर टू सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यस ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना है क्या? टेंशन T2 विल बी, ये T2 की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको T2 की वैल्यू निकालनी, तो क्या आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो M3 का? अच्छा M3, ये M3 का आपने जब FPD बनाओगे तो इधर क्या लग रहा है आपका? 40 न्यूटन लग रहा है। इधर आपने मान लिया कि T लग रहा था, इधर T लग रहा था, क्या इस पे एक्सेलरेशन भी है? यस क्या है? यस 2 मीटर पर सेकंड टू उसका मीटर पर क्या लगा सेकंड दो? यस सर सिग्मा एफ नेट अलोंग किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया हमने ये। यस सर अब देखो जैसे न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके फोर्स को पहले लिखते हैं। जैसे इसका फोर्स हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का फोर्स हम पहले लेंगे। तो 40 माइनस, अब टी किधर है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस टी इक्वल टू एम क्या है आपका? M3। अब हम M3 पे को कंसीडर कर रहे हैं तो हम सिर्फ M3 का मास लिखेंगे। M3 का मास कितना है? 4 kg। फोर इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? टू। टू तो टू आपका टी कितना आ गया? टी टी कितना आएगा? टी इक्वल टू 40 - 8 आएगा कि नहीं? तो टी कितना आएगा? सर 32 न्यूटन। क्लियर है सबको? क्लियर यस सर है कि नहीं? यस सर थर्टी थर्टी यस सर टू न्यूटन आगे बढ़े। यस सर अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट है, जरा करो इस क्वेश्चन को।
एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, हिंट है आपके लिए ये। इसने पूछा है इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg ब्लॉक इन 2 सेकेंड, सरफेस ऑन विच इट इज कैप्ट इज स्मूथ। जिस सरफेस पर 10 kg वाला ब्लॉक रखा हुआ है वो स्मूथ सरफेस है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि फ्रिक्शन वगैरह की, वो फ्रिक्शन वगैरह की जब टेंशन लेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। सर हो गया। कितना आया है, कितना आया है? सर 20 11। 20 मीटर। ओके, और किसी ने किया? अच्छा आशुतोष, आदित्य, नीलम, आशुतोष, नेगी, आदित्य। ओके, इन चार लोगों का हो चुका है। देखो कैसे किया होगा आपने, कि पहले क्या किया, देखो अब आप ये बात बताओ, ये 5 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है लेकिन ये पुली फिक्स नहीं है, ये पुली फिक्स नहीं है लेकिन ये वाली साइड फिक्स है, क्या इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी? यस सर। फिक्स है तो क्या इस पॉइंट की, इस साइड में जो स्ट्रिंग है उसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो होगी, होगी कि नहीं? यस सर। देखो इस स्ट्रिंग के इस साइड पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी स्ट्रिंग की। अब देखो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो मान लिया हमने कि हमारी इसकी वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, जब ये नीचे जा रहा है, नीचे जब जा रहा है तो क्या इसको ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या ये भी नीचे जाएगा, जाएगा ना? तो मैं इसकी वेलोसिटी मान लो, मान लेता हूं क्या v1 और इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी पुली की क्या है vp, ये आपकी पुली की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना? देखो मैंने यहाँ पे कैसे वेलोसिटी को सेम माना है, पुली के ऊपर गया था लेकिन यहाँ पे नहीं माना है, क्योंकि देखो ये अलग स्ट्रिंग है और ये वाली, ये सेम स्ट्रिंग है, मान लो अगर सेम भी स्ट्रिंग है ना, ये यही सेम मान लो स्ट्रिंग है, तब भी इसकी वेलोसिटी, इस साइड की वेलोसिटी इसकी साइड की वेलोसिटी की सेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुली फिक्स नहीं है। देखो पुली क्या है, मूवेबल है, पुली अगर फिक्स होती तो मैं वेलोसिटी सेम कर भी सकता था, पुली फिक्स नहीं। इस केस में पुली फिक्स है, इस वाले केस में पुली फिक्स है, इसलिए इसकी जिस वेलोसिटी से ये 10 ब्लॉक इस साइड में आएगा उसी वेलोसिटी से ये वाली साइड जो होगी वो नीचे जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला लगा दो इस वाले पे, वीपी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो वीपी किधर है, नीचे ही तरफ आया है, नीचे ही तरफ आया है ना, वीपी नीचे है तो क्या करेंगे, माइनस, माइनस के 5 लेंगे वीपी को, लेंगे। यस सर। अब देखो v1 v1 आपको निकालना है, v2 क्या है आपका 0 है डिवाइडेड बाई 2, तो आपका v1 कितना आया, माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस के 10। यस आया सर। माइनस yes, क्या, अच्छा माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि v1 की वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? यस सर, बोल सकता हूँ। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, v1 की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, तो देखो जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो क्या ये ब्लॉक इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा कि नहीं? सर। अब आपका v1, yes, v1 तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी इसकी वेलोसिटी भी। यस सर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 थी, इसका एक्सेलरेशन तो कोई होगा है ही नहीं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी की मतलब ही नहीं है। आप सिंपल STD वाला फॉर्मूला लगा दो, ST इक्वल टू D, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं? Yes, अब देखो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को, स्पीड क्या है इसकी 10, टाइम क्या है, यस सर, टाइम क्या है 2 सेकंड है, 2 सेकंड कैसे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, 20 मीटर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। एटवुड मशीन वाला एप्लीकेशन चल रहा है, बस
एटवर्ड मशीन, आपको एटवर्ड मशीन समझना है कि कैसे हम एटवर्ड मशीन वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, इस क्वेश्चन को करो। A system is shown in the figure. A man is standing on the block pulling the rope. ये मैन है, आपको रोप को पकड़े हुए दिख रहा है? Yes, sir. Pulling the rope of the point string in contact with the hand of the man 2 meter per second से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है उसने दिया है। और उसने बोला है कि एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा है, उसने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा है और 2 मीटर पर सेकंड से उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखो, एटवर्ड मशीन लगाने से पहले तीनों पुली फिक्स हैं, देख रहे हो आप, तीनों पुली फिक्स हैं, कोई भी मूवेबल पुली नहीं है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो निकाल लिया, क्या आया है सर? 1 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है आपका, कैसे किया है नीलम? डिफरेंशिएटिंग कर दी ना। कैसे डिफरेंशिएटिंग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, द टोटल लेंथ, लेंथ आपने कंसीडर की होगी पहले है? यस सर। देखो देखो मैं बताता हूँ, क्या ये यहाँ से लेके ये सेम स्ट्रिंग है? यस सर, पूरी एक ही स्ट्रिंग है। और सारी की सारी पुलिस को देखो, सारी की सारी पुली फिक्स हैं, सब की सब पुली फिक्स हैं। तो जब पुली फिक्स होती हैं, तो पुली की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है कि नहीं पुली की वेलोसिटी? अब अगर पुली की वेलोसिटी जीरो है तो ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा है तो क्या ये भी इस डायरेक्शन में 2 से आएगी? Yes, आप पुली वाला फॉर्मूला लगा दो, वीपी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। देखो अगर ये जीरो है तो क्या v1 प्लस v2 हो जाएगा जीरो के इक्वल? तो v1 क्या होगा? माइनस के v2, यानी कि v1 अगर नीचे है तो v2 क्या है? अपवर्ड होगा। दोनों वेलोसिटी पुली के लेफ्ट में हो भले ही एक राइट में हो, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये 2 से नीचे खींच रहा है तो क्या 2 से ही ये इधर आएगा? रस्सी इधर आएगी कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये 2 से इधर आएगी तो क्या ये 2 से डाउनवर्ड आ रही होगी 2 से ही? Yes, sir, downward ही आ रही अगर है। क्योंकि फिक्स पुली है ना बेटा, फिक्स पुली है इसलिए ये पॉसिबल है। तो अगर ये 2 से नीचे आ रही है तो क्या ये 2 से अपवर्ड भी जा रही होगी 2 से ही? Yes, sir. तो इसी से तो कनेक्टेड है ब्लॉक आपका, दिख रहा है आपको, इससे ही कनेक्टेड है ब्लॉक। तो आपका ब्लॉक की वेलोसिटी क्या मैं 2 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में? Yes, sir. Yes, sir. तो विदाउट सॉल्व किए हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, इस क्वेश्चन को करो, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट ही देता हूँ। चलो 3 मिनट देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे बेटा, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा, बोर नहीं होना है, क्वेश्चन तो होंगे क्योंकि जेई क्लियर करना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, विदाउट क्वेश्चंस के कुछ नहीं होने वाला।
हुआ सर, कर लिया। कितना आया है सर? बी आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड। कैसे किया नीलम? सर कैसे पहले किया? तो सर टोटल लेंथ को, सर टोटल लेंथ को कंसीडर किए फिर डिफरेंशिएटिंग कर। टोटल लेंथ को कैसे कंसीडर किया था? L1 L2 L3 L+4 = L इक्वल टू एल, मतलब टोटल लेंथ एल। नीलम यस सर। कहाँ से सर्च किया ये क्वेश्चन? सर खुद भी किया। खुद किया है पक्का? यस सर। सर्च नहीं किया है? नो सर। अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट भेजो मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी, जहां पे किया है। अगर आपका स्क्रीनशॉट मुझे उन 17 मिनट हो रही है, 17 मिनट में 18वीं मिनट से पहले मुझे व्हाट्सएप पे आ गया तो मैं समझूंगा कि हाँ वही हो सकता है। सर माइक कौन है किसी का? हाँ नहीं सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है तो। व्हाट्सएप पे भेज सकते हो? व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप पे सब कुछ है। सर मैं क्लास ही किसी और के फोन से लगा रही हूँ। आपने ना देखा है जरूर, मैं बता सकता हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। सर्च किया है कि नहीं? नो सर। सच बताओ। किसी और के फोन से लगाती हूँ क्लासेस। पक्का सर्च नहीं किया है? नो सर। एक बार सर्च करोगे अगर तो अपना घाटा कर रहे हो, हमारा कोई घाटा नहीं कर रहे हो। अगर आप सर्च करके गूगल से या कहीं से वैसे आंसर दे रहे हो तो हमारा कोई घाटा नहीं कर रहे हो, अब अपना खुद का घाटा कर रहे हो। थोड़ा सा इम्प्रेशन क्लास में बना दोगे, और क्लास में किसके सामने इम्प्रेशन बनाओगे आप? आप में से 49 पीपल हैं, शायद एक दो बच्चे भी एक दूसरे को जानते होंगे, एक दो लोग ही। किसके सामने इम्प्रेशन बना रहे हो आप? कभी जिंदगी में कभी मिलोगे नहीं, कभी आपने एक दूसरे का फेस देखा नहीं, तो एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्टी तो दिखाओ। दूसरे के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ ऑनेस्टी दिखाओ। जो भी लोग मान लो नहीं किया है, चलो मान लिया मैंने नीलम ने भी अभी सर्च करके नहीं किया है आंसर, बट बता रहा हूँ ऐसा ऐसा ना किया करो कि आप सर्च करके आंसर दे रहे हो या कुछ भी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर मैंने नहीं किया सर, मैंने खुद ही किया ओके, है। ओके ओके कोई नहीं नीलम, कोई नहीं, मैंने मान लिया, चलो मैंने मान लिया आपने खुद से किया। क्लासेस किसी और के फोन से लगाती हूँ ना, मेरे पास फोन नहीं है ना। ओके ओके नीलम, ओके मान लिया ना, मैंने मान लिया भाई, कोई नहीं। चलो अब देखो इसको, एक तो नीलम वाले मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो व्यू वाला मेथड तो ये है आपके पास, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि 19 हो गया। देखो मान लिया यहां से यहां तक की जो लेंथ थी उसको L1 मान लिया, यहां से यहां तक की जो लेंथ थी उसको L2 मान लिया, और यहां से यहां तक की जो लेंथ थी उसको L3 मान लिया, और यहां से यहां तक की जो लेंथ थी उसको L4 मान लिया। हमारी यहां से लेके ऐसे करके ये जाके ये वाली एक स्ट्रिंग है पूरी, और ये आपकी यहां से ये वाली स्ट्रिंग कितनी है? दूसरी स्ट्रिंग है। तो क्या मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए बोल सकता हूं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट होगी लेंथ तो उसकी स्ट्रिंग की हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना। यस सर। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसको जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या मैं डी एल वन अपॉन डी टी को वी ए बोल सकता हूँ? यस सर। वी वन मान लो, या फिर वी वन बोल दो इसको, वी ए मत बोलो, वी वन बोल दो। और क्या मैं डी एल टू अपॉन डी टी को वी टू बोल सकता हूँ? डी एल थ्री अपॉन डी थ्री को डी टी को डी वी थ्री बोल सकता हूँ, प्लस इसको डी फोर को वी फोर इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब यहां से देखो, अब यहां से देखोगे, अगर आप यहां से देखो कि इसकी वेलोसिटी, देखो इसकी वेलोसिटी ऊपर है कि नहीं है? यस सर। इसकी इसकी वेलोसिटी, और ये पुली फिक्स है, ये पुली अगर फिक्स है तो क्या इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी? सेम 5 ही होगी इसकी। यस सर।
इसकी अगर 5 होगी तो ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये पुली फिक्स नहीं है, ये पुली फिक्स नहीं है। आप अगर लेंथ से भी समझोगे, अगर लेंथ से भी समझोगे तो देखो जब ये इतना जितना ऊपर जा रही होगी, मान लो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर गई, 1 सेंटीमीटर, तो जब ये 1 सेंटीमीटर तो ये पुली भी तो 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। देख रहे हैं आपको, ये पुली भी उसी ब्लॉक से कनेक्टेड है और ये साइड भी उसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये पुली भी उतना ही ऊपर जाएगी। मान लो पुली यहाँ पर पहुंचेगी 1 सेंटीमीटर, तो देखो रस्सी को, देखो रस्सी को 1 सेंटीमीटर यहां से फ्री हुई और 1 सेंटीमीटर इस साइड से फ्री होगी और 1 सेंटीमीटर इस साइड से फ्री होगी कि नहीं, तीन जगह से फ्री होगी, 1 सेंटीमीटर तीन जगह से फ्री होगी और तीनों जगह की रस्सी इधर आ जाएगी, आएगी इधर, तो इधर कितना हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी इधर रस्सी हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही सिमिलरली आप वेलोसिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो जो हमारा लेंथ में रिलेशन था वही वेलोसिटी में रिलेशन था कि नहीं? यस सर। आप बोल सकते हो कि dl2/dt जो वेलोसिटी थी, जिससे ये ऊपर जा रहा होगा उससे ये नीचे आएगा, आएगा ना? Yes, sir. आप इस वाले पे एटवुड लगा दो, इस वाले पे एटवुड मशीन लगाओगे, मान लो वीपी इक्वल टू v2 + v3/2, ये बोलूंगा मैं। अब देखो ये किससे जा रही है ऊपर, 5 मीटर/सेकंड से जा रही है, yes, जा रही है। और ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है ये क्या है, 5 है, प्लस v3 आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इधर क्या हुआ, 10 हुआ, 10 इक्वल टू 5 प्लस v3, तो v3 क्या आ जाएगा, 10 माइनस के 5 यानी कि 5 मीटर/सेकंड आएगा v3। फाइव मीटर पर सेकंड ये आया, ये अगर इस जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी से ये नीचे जाएगी, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो हमारा क्या आया v1 = v2 = v3, तीनों क्या आ गया 5 मीटर/सेकंड, आया कि नहीं आया 5 मीटर/सेकंड? यस सर। क्लियर है सबको? तो देखो ये हमारा v1 v2 v3 की जगह पे आप क्या लिखो, 5 + 5 + 5 + v4 = 0, तो आपका v4 क्या आ जाएगा, -15 मीटर/सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, और माइनस का साइन क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि v4 आपका आया 15 मीटर/सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर। बेटा किसी को कोई डाउट है तो बता दे मुझे, किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको? सर रिपीट कर दो। हाँ देखो आप रिपीट में देखो, यहां से आपको ये देखो कि क्या ये ब्लॉक, ब्लॉक ये पूरा ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक से ये वाली रस्सी भी कनेक्ट है और ये पुली भी कनेक्ट है कि नहीं, पुली कनेक्ट है। यस सर। यस सर। देखो जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये बॉडी ऊपर जा रही थी 5 मीटर/सेकंड से, तो क्या इस वाली रस्सी की भी 5 मीटर/सेकंड होगी, क्योंकि रस्सी वो पुली फिक्स है। Yes, देखो इस वाली की वेलोसिटी 5 है और ये पुली भी ऊपर से 5 ऊपर जा रही है 5 मीटर/सेकंड से, तो क्या मैं यहाँ पर एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला लगा दिया, मैंने एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला लगाया तो उससे मेरी ये वाली साइड जो v3 l3 साइड मानी थी, उसकी वेलोसिटी भी क्या आई, 5 मीटर/सेकंड आई। तो हमारी तीनों की वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड आ गई, 1, 2 और 3 तीनों की वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड आ गई थी। तो सिमिलरली हमने तीनों की वेलोसिटी फॉर्मूले में पुट की और v4 की वेलोसिटी -15 मीटर/सेकंड आ गई। एक तरीका ये था, एक तरीका फीलिंग से भी समझ सकते हो आप, फीलिंग से थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको कि देखो यहां से जब मान लो 1 सेंटीमीटर रस्सी फ्री होगी, जब ये ऊपर जाएगी तो थोड़ी सी रस्सी ये L1 में कमी हो जाएगी ना 1 सेंटीमीटर की, होगी कि नहीं? अरे जब यहां, अभी यहां से यहां तक की लेंथ अगर L1 है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर L1 है, तो जब ये 1 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगी तो L1 से कुछ कम डिस्टेंस बचेगी ना, ये बचेगी कि नहीं? Yes, sir. तो जब यहां से लेके रस्सी यहां पे गई, मान लो 1 सेंटीमीटर गई, तो जब ये ऊपर गई है तो क्या ये पुली भी तो ऊपर जाएगी, क्योंकि ये पुली जो है उसी ब्लॉक से कनेक्टेड है जिस साइड से ये वाली रस्सी कनेक्टेड है। बेटा इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा फील भी करना पड़ता है, थोड़ा इमेजिनेशन भी करना पड़ता है कि ये अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा
ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो देखो ये पुली भी ऊपर जाएगी और ये साइड भी ऊपर जाएगी। जब ये पुली भी ऊपर जाएगी तो क्या 1 सेंटीमीटर की रस्सी यहां से भी एक्स्ट्रा फ्री होगी और इस साइड से भी फ्री होगी एक्स्ट्रा, होगी कि नहीं? तो इस साइड में जो रस्सी आएगी देखो 1 सेंटीमीटर ये वाली, 1 सेंटीमीटर ये वाली और 1 सेंटीमीटर ये वाली, 3 सेंटीमीटर रस्सी एक्स्ट्रा आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। अगर अगर एक एक सेंटीमीटर जा रही है तीनों साइड से तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर टू दो दो सेंटीमीटर जा रही होती, मैंने 1 सेंटीमीटर एग्जाम्पल लिया है, तो जो डिस्टेंस में रिलेशन था वही वेलोसिटी में रिलेशन होता है, वही एक्सिलरेशन में रिलेशन होता है, होता है कि नहीं? यस सर। आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते थे कि इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका 3 टाइम्स होगा ये वाली वेलोसिटी। क्यों हो रही थी? क्योंकि यहां से डिस्टेंस, वो रस्सी फ्री हो रही थी, यहां से हो रही थी और यहां से हो रही थी, 3 जगह से रस्सी फ्री हो रही थी। और एक था आपका फॉर्मूला बेस, आप लेंथ को लिखो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, उससे आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, ये करके आना है, लेकिन अब ऐसा मत करना कि सर हम नहीं करके आए हैं, ठीक है? अभी अभी और दे रहा हूँ होमवर्क में, एक एक सेकंड रुको जरा, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देख लोगे कोई फायदा नहीं, पहले सॉल्यूशन छिपा दूं इसलिए। ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ ओनली यार, 2 क्वेश्चंस को करके ले आना एटलीस्ट घर से, और इजी क्वेश्चन है जो आपको अभी कंसेप्ट कराया है एटवुड मशीन के, उसके क्वेश्चन कराए वही उसी पे बेस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। यस सर, ये वाला सेम ही लग रहा है। हाँ, सेम से क्वेश्चन है लमसम, ठीक है? यस सर। ओके देन, अभी 28 हो गया, अभी एंड करते हैं क्लास को, और सभी लोग क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। यस सर।